अस्सलाम वालेकुम हम आज के लेक्चर में ऑडिट ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस यानी आमदनी और अखराज के ऑडिट के बारे में बात करेंगे तो आइए देखते हैं इसका स्कोप क्या है हम इसको ब्रॉडली दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस में बुनियादी तौर पे एक्सपेंसेस को भी हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है परचेजेस यानी उन चीज़ों की खरीद जिनको बाद में आपने कन्वर्ट करके या फरोख्त करके आपने आमदनी करनी है परचेजेस तो हम को हमने अपने पिछले लेक्चर में ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कवर कर लिए है उसके अलावा दूसरा हिस्सा है माइनर एक्सपेंसिस छोटे मोटे अखराजा चाय का छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट का छोटी मोटी स्टेशनरी का इनको नॉर्मली पेटी कैश में से पे किया जाता है तो इसको हम अपनी कैश ट्रांजैक्शन ऑडिट के तहत लेक्चर नंबर फाइव में कवर कर चुके हैं उसके अलावा जो दीगर एक्सपेंसेस बचते हैं अदर एक्सपेंसेस उनको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे रेवेन्यूज़ यानी आमदनी इनको भी हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं एक तो आमदनी होती है सेल्स ऑफ दोज गुड्स जिसमें कि आप नॉर्मल कारोबार करते हैं इसको हम अपने पिछले लेक्चर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में कवर कर चुके हैं सेल्स के अलावा अगर कंपनी को कोई आमदनी होती है मिसाल के तौर तो पर रेंट इनकम या कमीशन इनकम या इंटरेस्ट इनकम तो उसकी ऑडिटिंग के तरीक़ाकार को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे अब हम आते हैं एक्सपेंसेस के एक्सपेंसेस तो हर ऑर्गनाइजेशन में हर ऑर्गेनाइजेशन में उसके साइज़ या टाइप के लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसि होते हैं ब्रॉडली वेजिस एंड सैलरीज इंश्योरेंस प्रीमियम यूटिलिटीज़ कमीशनस इंटरेस्ट एक्सपेंस बैंक चार्जेस बैड डेट्स यानी कि वाजबात को जो राइट ऑफ कर दिया जाता है डेप्रिसिएशन या डायरेक्टर्स की तनख्वाह हम इनको एक एक करके चेक करेंगे अब हम आते हैं सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज़ की तरफ नाउ परचेज़ के बाद मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ा ख़र्च होता है वो वेजेस एंड सैलरीज पे होता है लिहाजा ये बहुत अहम ख़र्च है और इसकी ऑडिटिंग के बारे में और इसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है वेजेस एंड सैलरीज़ के बारे में जो इंटरनल कंट्रोल इंस्टीट्यूट किया जाएगा उसके मकासद क्या होने चाहिए पहला मकसद तो यह है कि जो भी पेमेंट हो वो असल काम करने वाले हकीकी और सर्विंग एम्प्लॉय को हो और सही और मजाज रेट पे हो यानी ऑथराइज़ रेट पे हो दूसरी बात यह है कि जो पेमेंट भी की जाए वो किए जाने वाले काम के रिकॉर्ड या वक्त के रिकॉर्ड के मुताबिक हो देखिए ना पेमेंट आमतौर तो पर दो तरीक़ों से की जाती है या तो कोई जितना काम करता है मिसाल के तो तौर पर दर्जी को जितनी वो कम्यूज़न सेता है आप उस हिसाब से पेमेंट करते हैं चालीस रुपये फ़ी पीस या समथिंग लाइक दैट या फिर आप पेमेंट करते हैं वक्त के लिहाज से फ़ी घंटा के हिसाब से पेमेंट करते हैं या फ़ी दिन के लिहाज से लेकिन जिस भी तरीके कार से पेमेंट की जाए उसका रिकॉर्ड रखा जाता है तो इंटरनल कंट्रोल का एक ऑब्जेक्टिव यह है कि जो काम का रिकॉर्ड रखा गया है या जो वक्त का रिकॉर्ड रखा गया है जो भी पेमेंट की जाए उस रिकॉर्ड के मुताबिक हो तीसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि पेरोल यानी वो शीट जिसके मुताबिक पेमेंट की जाएगी उसे सही तरीके से प्रिपेयर किया जाए और उसे एक मजाज ऑफ़िसर एक बाख्तियार ऑफ़िसर उसको ऑथोराइज़ करे चौथा ऑब्जेक्टिव यह है कि तनख्वाह में से जो कानूनी या दीगर कटौतीज होती हैं मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स कटता है सोशल सिक्योरिटी फ़ंड प्रोविडेंट फ़ंड एन इस तरह की जो या कटौतियाँ होती हैं है, वो सही तरीके पर की जाएँ और जब वो डिडक्ट कर ली जाएँ तो एक मुनासिब वक्त के अंदर अंदर जो भी प्रिस्क्राइब कानूनी तरीका है उस वक्त के दौरान ही वो अप्रोप्रिएट जगह पे भेज दी जाए मिसाल के तौर पे अगर आपने इनकम टैक्स डिडक्ट किया है तो वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दो या तीन दिन के अंदर अंदर अदा हो जाए अगर आपने प्रोविडेंट फंड डिडक्ट किया है तो वो प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए अगर आपने ई ओ बी आई की किया है तो वो ई ओ बी आई को भेज दी जाए अगला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी पेमेंट हो रही है उसके प्रॉपरली अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाए यहाँ मैं बताता चलूँ कि वेजेस और सैलरीज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुख्तु कंपनीज़ में बहुत मुख्तलिफ हो सकती है कुछ वेजेस ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट कॉस्ट गिनी जाती हैं कुछ वेजेस जो होती हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट गिनी जाती हैं मिसाल के तौर तो पर जो फैक्ट्री वर्कर्स को पेमेंट करते हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चर में चार्ज होती हैं जबकि जो मेटेनेंस स्टाफ को आप पेमेंट करते हैं वो हो सकता है कि डायरेक्ट वेजेज़ में ना जा रही हूँ बल्कि वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट में जा रही हूँ इसी तरह सैलरीज कुछ सैलरीज जो हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसिस फॉर एक्जाम्पल आप सेल्समैन की को जो पेमेंट करते हैं या कमीशन की जो पेमेंट करते हैं वो सीधी सेल्स को चार्ज होती हैं जबकि बाकी जो सैलरीज हैं ऑफिस स्टाफ की अकाउंटिंग कंप्यूटर वगैरह की वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं तो इसका रिकॉर्ड में एहतियात करना बहुत ज़रूरी है ताकि कॉस्ट की सही एलोकेशन हो इन मकासद को हासिल करने के लिए जो वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल के जो मकासदा को हासिल करने के लिए हम क्या इकदाम उठाएँगे पहला स्टेप तो यह है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके एक सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट या जिसे एच आर डिपार्टमेंट कहते हैं एक सेपरेट एच आर डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि तमाम इम्प्लॉज़ के अमूर को की देखभाल करे और इम्प्लॉ रिलेटेड जितने रिकॉर्ड हैं उनकी पर्सनल फाइलें उनकी टाइम शीट्स उनकी प्रमोशन उनके रिकॉर्ड्स सारे रिकॉर्ड्स वो रखे उससे यह है कि सारा कंट्रोल एक जगह आ जाता है और कंट्रोल में आसानी होती है दूसरा अहम कदम यह है कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनुअल या पर्सनल मैनुअल होना चाहिए जिसमें कि हर काम का तरीक़ाकार पहले से लिख दिया गया हो और हर काम किया अप्रूवल का लेवल जो है वो तय कर दिया गया हो यानी कौन हायरिंग करेगा किस लेवल का बंदा हायरिंग के प्रोसीजर क्या है पेरियड कैसे फ़िक्स होंगे दूसरे बेनिफिट किस किस लेवल के एम्प्लॉज़ को कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे डिसमिसल का तरीका कार क्या होगा कौन अप्रूव करेगा रिटायरमेंट किस एज पे होगी कौन रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंटेशन ऑथराइज़ करेगा और मुख्तलिफ स्टेप्स की अथॉरिटी लेवल्स चाहे वो पहले से डिफाइन हों ताकि जो भी एच आर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हों तनखा बढ़े घटे इधर चार्ज हो उधर चार्ज हो इतनी पेमेंट हो वीकली पेमेंट हो या मंथली पेमेंट हो तो वो प्रोसीजर के मुताबिक और उस प्रोसीजर ऑलरेडी रिटर्न हो यानी यह कि यहाँ पर कोई आदमी अपनी मर्जी के इकदाम ना कर सके नेक्स्ट स्टेप ये है कि पर्सोनल रिलेटेड एम्प्लॉज से वाबस्त जितने भी फैसले हैं या जितने भी इकदाम हैं वो हमेशा तहरीर में होने चाहिए ऑल अप्रूवल्स ऑल डिस हमेशा राइटिंग में हो। हायरिंग है अपॉइन्टमेंट लेटर होना चाहिए ओवर टाइम है राइटिंग में अथोराइजेशन होना चाहिए ज़ुबानी नहीं किसी का पेरेट आपने चेंज किया किसी को आपने एडिशनल बेनिफिट दिया है या कोई बेनिफिट विड्रॉ किया ये तमाम बातें राइटिंग में होनी चाहिए ताकि इनका सबूत हो और वेरीफिकेशन हो सके एक और अहम बात यह है कि जो भी बंदा काम कर रहा है उस अगर उसे काम के हिसाब से पेमेंट हो रही है तो उसके काम का रिकॉर्ड और अगर पीस रेट के हिसाब से हो रही है तो जो पीस वर्क का रिकॉर्ड मिसाल के तौर पर आपके पास मजदूर हैं जो फ़र्ज कोई पैकिंग कर रहे हैं और उनको आप फी डजन के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं तो उनका पीस रेट का रिकॉर्ड होना चाहिए और अगर आप वर्कर्स को मज़दूरों को मिसाल के तौर पर अगर आप टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं घंटे के हिसाब से या दिन के हिसाब से तो उनका टाइम कार्ड या कोई टाइम रजिस्टर होना चाहिए ताकि जिस वक्त आप पेमेंट कर रहे हों तो किसी चीज़ से वेरीफाई कर सकें और ये जो भी रिकॉर्ड है जैसे कोई जिम्मेदार ऑफिसर जो है वो चेक करे वेरीफाई करे उस पर दस्तखत करे कि भाई मैंने चेक कर लिया है एक अहम नुकता यह है कि जब भी किसी वर्कर को अगर आप टाइम के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं और आप उसे नॉर्मल टाइम से ज़्यादा काम करने को कहते हैं यानी ओवर टाइम का कहते हैं तो ओवर टाइम की ऑथराइजेशन ओवर टाइम से पहले होना चाहिए ये नहीं कि कोई बंदा दूसरे ना के क्लेम करे जे कल मैंने छः घंटे ओवर टाइम किया था मुझे उसकी पेमेंट कर दें हमेशा ओवर टाइम की अथॉरिटी जो है किसी मिजाज ऑफिसर एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर वो अथॉरिटी दे और वो ओवरटाइम करने से पहले दे ये चीज प्रोसीजर मैनुअल में लिखी होनी चाहिए जहां तक मुमकिन हो सके जो स्टाफ पेरोल प्रिपेयर करता है यानी वेजिसीट वगैरह प्रिपेयर करता है वो कैश ना है, हैंडल करे और वो फैक्ट्री वर्कर्स के साथ उसका रता ना हो वरना मिली बकत का इमकान रहेगा और फेक और बोगस सैलरी पेमेंट का इम्कान रहेगा एक और तरीकाकार यह है कि एट रेगुलर इंटरवल्स हर दो महीने बाद या हर दो हफ़्ते बाद जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नेचर हो एक इंडिपेंडेंट कंपैरिजन होना चाहिए कि जो पेरोल का रिकॉर्ड है यानी जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड है पेमेंट्स वगैरह का और जो पर्सनल रिकॉर्ड है जो कि एच डिपार्टमेंट में या पर्सनल डिपार्टमेंट में है उनको गाए गाए कंपेयर करते रहना चाहिए ताकि पता चले कि सही बंदों को सही रेट पे, पे पेमेंट हो रही है कोई बोगस या डमी वर्कर्स तो नहीं इन्वेंट कर दिए गए या रेट से ज़्यादा की पेमेंट तो नहीं हो रही जब आप एक्चुअल पेमेंट पे आए तो ये एक अलहदा काम है इसके लिए आपको इंटरनल कंट्रोल मेजर्स अख्तियार करना चाहिए सेपरेटली जहाँ तक मुमकिन हो सके तनख्वाहें यानी रेगुलर सैलरीज जो हैं जहाँ तक मुमकिन हो सके वो बैंक के थ्रू पे करनी चाहिए इसके सबसे बड़ा बात तो यह कि उसका सबूत होता है उसमें कैश हैंडलिंग नहीं होती तो वो रिस्क ख़त्म हो जाता है पेमेंट आपको पता है किसको गई है और अगर कोई गलती हो जाए तो उसको दुरुस्त करने का मौका रहता है क्योंकि बैंक के थ्रू गई है अगर एक दफ़ा कैश पे कर दी जाए तो फिर मसले होते हैं दूसरा स्टेप जो आप इंटरनल कंट्रोल के लिए लेंगे वेजेस के पेमेंट पे कि जो जब कैश बैंक से विड्रॉ करके दफ्तर लाया जाए और दफ्तर में ला रखा जाए और उसकी पेमेंट की जाए तो इस सारे दुरानी में स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि चोरी ना हो उनसे प्रिपेशन ना हो कोई गुम ना हो जाए या वो जल ना जाए या ख़राब ना हो जाए तो इसकी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होनी चाहिए तीसरा एकदम जो है कि जब आप बैंक से पैसे लेने जाएँ तो एग्जैक्टली exactly उतने ही नोट विड्रॉ करें जितनी की जरूरत है देखिए जब आप पेमेंट के लिए करें तो आप पहले एक लिस्ट बना लें कि आपको इन वर्कर्स को पे करने के लिए कितने हज़ार रुपये के नोट चाहिए होंगे कितने पाँच सौ रुपए के नोट चाहिए होंगे कितने सौ रुपए के नोट चाहिए होंगे कितने पचास रुपए के या बीस रुपए के दस रुपए के नोट चाहिए होंगे और इनकी आप पहले से एक लिस्ट बना लें तो एग्जैक्टली उतने ही नोट बैंक से लेके आए उससे कंट्रोल बेहतर हो जाता है और उसमें गलती का इम्कान नहीं रहता बिकॉज एग्जैक्टली exactly आपके पास उतना ही करेंसी नोट्स हैं जितने आपने पेमेंट करनी है जब पेमेंट कर रहे हो तो आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि एक बात बहुत ऑर्गेनाइजेशन में 300-400 मज़दूर होता है और पेरोल का स्टाफ जो है वो हर मज़दूर को ज़ाती तौर पे नहीं पहचानता इसलिए यह ज़रूरी है कि जब बंदे ये वेजेस लेने आएँ तो उनके पास कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन का तरीका हो चाहे एक स्टाफ कार्ड हो या आइडेंटिटी कार्ड हो अब अक्सर ऐसा भी होता है कि बाज़ वर्कर तनख्वाह वाले दिन तनख्वाह लेने नहीं आते किसी वजह से वो वक्त पे नहीं पहुंच सकते तो एंड ऑफ द डे कुछ वेजेस अनक्लेम्ड रह जाती हैं अब इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर डिवाइस करना चाहिए कि अनक्लेम्ड वेजेस के साथ क्या किया जाएगा एक तरीके तो यह है कि अनक्लेम्ड वेजेस पेरोल सेक्शन से निकाल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या कैश सेक्शन में चले जाएं किसी और ऑफ़िसर के पास चले जाएं इसके बाकायदा तहरीरी तौर पे रिसिप्ट लिखी जाए और जब वो बंदा लेने आए तो स्क्रूटनी हो कि वाकई वही बंदा था वो क्यों नहीं लेने आया तब उसकी पेमेंट हो इसका एक रिटर्न डाउन प्रोसीजर होना चाहिए ताकि इसमें गलती का इम्कान ना हो अक्सर देखा जाता है कि जितने घोस्ट वर्कर्स होते हैं यानी वो वर्कर्स जो वर्क आ, मतलब जिन्होंने काम नहीं किया लेकिन पेरोल में नाम डाल दिया गया उनकी वेजेस अनक्लेम रह जाती हैं और बाद में कुछ लोग उनसे प्रोवेट कर लेते हैं तो बेस्ट ये है कि इसका पूरा रिटर्न डाउन प्रोसीजर हो एक और कदम यह है कि सरप्राइज़ चेक्स हो यानी एक बड़ा जिम्मेदार ऑफिसर चीफ अकाउंटेंट या कोई और बंदा विदाउट अनाउंसमेंट जब पेरोल की पेमेंट हो रही हो तो वो अचानक आके देखे कि अभी पेमेंट सही हो रही है दस्तख दिए जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन हो रही है पेरोल की एंट्रियाँ सही हैं तो सरप्राइज चेक का जब भी लोग वर्कर्स को पता होगा कि सरप्राइज़ चेक हो सकते हैं तो वो खुद ही गलती से भी और फ्रॉड से भी इजतनाव करेंगे अब हम आते हैं कि वेजेस और सैलरीज़ को ऑडिट कैसे किया जाए अब तक तो हम इंटरनल कंट्रोल पे थे अब हम आते हैं कि इनको ऑडिट कैसे किया जाए पहला तरीका यह है कि चंद एम्प्लॉयज़ को टेस्ट चेक बेसिस पे चंद एम्प्लॉयज़ को आप पिक कर लें और उनके रिकॉर्ड को पूरी डिटेल में चेक करें यानी उनका रिकॉर्ड देखें कि एचआर डिपार्टमेंट का क्या रिकॉर्ड है अपॉइंटमेंट लेटर है ट्रांसफर लेटर है प्रमोशन लेटर है रेट सब चीज़ें हैं फिर उसके अब देखें जब जितनी भी उनको पेमेंट्स हुई हैं साल भर में बारह महीने की या बावन हफ्तों की तो उनकी पेमेंट्स देखें कि उनका पेरोल चेक करें कि वो पर्सनल डिपार्टमेंट में जो कुछ लिखा हुआ है उसके मुताबिक है मतलब अगर ये ग्रेड फाइव का एम्प्लॉई है तो ग्रेड फाइव की पेमेंट्स हुई हैं उसको इसका अगर वीकली रेट या मंथली रेट या आवरली रेट से बाईस रुपये पर घंटा है तो पेमेंट बाईस रुपये घंटे के हिसाब से हुई है उसे डिटेल में चेक करें फिर ये देखें कि इसकी हायरिंग जो थी वो तरीक़ाकार के मुताबिक हुई है किसी सही बंदे ने ऑथराइज़ की है इसका जो रेट फिक्स हुआ है वो सही फिक्स हुआ है उसने जो नॉर्मल काम किया है या ओवरटाइम किया है तो उसका रिकॉर्ड बराबर है और जो उसको एक्चुअल पेमेंट्स हुई हैं वो भी सही बंदे ने ऑथोराइज़ की थी यानी उन चंद एम्प्लॉयज़ के बारे में आप हर एंट्री को पूरी डिटेल के साथ चेक करेंगे और अगर इस चेकिंग के दौरान आपको लगता है कि इसमें बहुत गलतियां हैं या काफ़ी लैप्स हुई हैं तो फिर आप तमाम एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड डिटेल में चेक करेंगे दूसरा स्टेप आप ये लेंगे कि आप कुछ अरसे का पेरोल उठाएं मिसाल के तौर पे अगर वीकली पेरोल है तो बावन हफ़्तों के बजाय उसमें से सिर्फ दो या तीन हफ़्ते पिक करें और उन दो तीन हफ्तों का जो पेरोल है उसे आप पूरी डिटेल के साथ चेक करें पूरी डिटेल में उसकी हर एंट्री को जहाँ से वो शुरू हुई है वहाँ से लेके जहाँ तक वो ख़त्म होती है मिसाल के तौर पे अगर आप टाइम पे पेमेंट करते हैं तो टाइम कार्ड देखें उसमें दस्तख़त देखें कि ऑफ़िसर का दस्तखत है कि नहीं उस टाइम कार्ड की बेसिस पे जो पेरोल बनाए उसे देखें उसे आप रिकम्प्यूट करें चेक करें कैलकुलेशन देखें फिर आप पेरोल पे उसके दस्तखत देखें फिर देखें बैंक से कितना पैसा निकलवाया गया है, वो एग्जैक्टली exactly है कि नहीं यानी हर जहाँ भी वो एंट्री गई उसके बाद वो एंट्री जाहिर है कि नोमिनल लेजर में गई होगी तो नोमिनल लेजर में देखें वो एंट्री सही है कि नहीं यानी पूरी डिटेल के साथ ओरिजिन से लेके टर्मिनल तक उसके बाद आप ये देखें कि जो वेज शीट पे दस्तखत हैं और जो एचआर डिपार्टमेंट या पर्सनल डिपार्टमेंट की फ़ाइल में दस्तखत हैं इम्प्लॉज़ के वो सही हैं अक्सर लोग चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं यार ये है वही है ना अब्दुल कदूस ये बस इसको पेमेंट कर दो चाहे अब्दुल कदूस का दस्तखत जो है वो रिकॉर्ड से मैच करते हैं कि नहीं अगर वो मैच नहीं करते आप उसको जानते भी हैं उसके दस्तखत अगर मैच नहीं करते तो चार महीने छः महीने बाद वो क्लेम कर सकते हैं जी मैंने तो पेमेंट ली नहीं है अगर मैंने लिया तो मेरा दस्तखत दिखाइए तो